क्या सोच रही हो शिमी? सोच रही हूँ कि जिंदगी में पहली मर्तबा मेरा अंदाजा गलत साबित। ये बात तुम सायमा भाभी की वजह से कह रही हो। बिल्लू के रिश्ते की बात करके उन्होंने तुम्हारा दिल ही जीत लिया। ठीक कहा तुमने। अरे मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी किसी बड़े अच्छे अमीर घराने में हो जाए। अब देखो लड़की कितनी अच्छी है, पढ़ी लिखी भी है, शक्ल सूरत की भी बहुत प्यारी है। एक बार शादी हो लेने दे यहाँ पर, फिर तू देखना अरे बारे न्यारे हो जाएंगे हमारे। ये सारी प्लानिंग तो तुम्हारी है ना? अब पता नहीं वो क्या सोचते हैं, उन्हें हमारा घर और घर वाले पसंद आते भी हैं या नहीं। अरे बेवकूफ, अगर सायमा ने बात की है तो कुछ सोच समझ के की होगी ना। अल्लाह जाने उसने जोया के घर जाके ये बात की है कि नहीं। तो अभी लो भाभी को बुलाती हूँ, पूछ लो ना। चुप कर जा, ये जो बेताबी होती है ना इंसान को हल्का करके रख देती है। और वैसे भी माना कि हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अपनी ख्वाहिश के सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ा जाता। लोगों को जब पता चलता है ना तो इंसान हल्का पड़ जाता है, लोग फायदा उठाते हैं नाजायज। भाई तुम्हारी ये फलसफियाना बातें ना मेरे सर से गुजर जाती। एक काम करो ना, तुम लिखना क्यों ही शुरू कर देते? डाइजेस्ट में औरतें ऐसी कहानियों को बहुत पसंद करती। एक बार शादी हो जाने दे फिर देखना।